नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि रीसेंट वैकेंसीज़ जो भी आएंगी उसके हम पोस्ट करेंगे विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो ये जो पहला नोटिफिकेशन है वो है कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बिजनौर की तरफ से जो कि ट्वेंटी नाइन यानी कि ट्वेंटी सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू को रिलीज हुआ था इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार आयुष में 19 अक्टूबर 2020 से योगा वेलनेस सेंटर हेतु जनपद बिजनौर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चांदपुर बिजनौर में एक योगा प्रशिक्षण और एक योगा सहायक की नियुक्ति की जानी है जो कि अधिकतम एक वर्ष के लिए की जानी है यह नियुक्ति न तो किसी सृजित पद के विरुद्ध है न ही नियमित है और इसके अलावा इस पूरे एप्लीकेशन के लिए आपको दस दिन के अंदर अंदर यानी कि थर्ड थर्टियथ ऑफ सितंबर तक तीस सितंबर तक इसका एप्लीकेशन आपको क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय पुराना महिला चिकित्सालय पंजाब नेशनल बैंक के सामने सिविल लाइन बिजनौर में स्पीड पोस्ट करवाना है इसके अलावा हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन के साथ जो पोस्ट है और उनकी मानदेय यानी कि ऑफिशियल सैलरी जो बताई गई है वो कितनी है तो योगा प्रशिक्षक जो है योगा इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट आई है उसके लिए योगा प्रशिक्षक की जो एजुकेशन या क्वालिफिकेशन है प्र योगा प्रशिक्षक के लिए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों में से साढ़े पाँच साल का साढ़े पाँच साल वर्षीय कोर्स यानी कि बी एन वाई एस बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज की BNYS, डिग्री को वरीयता दी जाएगी अथवा बी ए तीन वर्ष या फिर एम ए योगा को प्रेफरेंस दिया जाएगा इसके अलावा पी जी डिप्लोमा जो है योगा में उनको भी दिया जाएगा प्रेफरेंस बट वो लास्ट प्रेफरेंस होगा देन इसके अलावा इसका जो योगा योगा प्रशिक्षक की जो मेन सैलरी होगी वो होगी अट्ठाईस हज़ार तीन सौ पचास एक मुश्त मासिक परिश्रमिक होगा ये मीन्स पर मंथ के हिसाब से उसके अलावा योगा सहायक की भी एक पोस्ट है जिसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना चाहिए और योगा या नेचुरोपैथी सेंटर आयुष चिकित्सा उसमें स्वास्थ्य योग से संबंधित क्लिनिक में दो वर्षीय अनुभव होना चाहिए मतलब योगा आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी आयुष या फिर प्राइवेट सेंटर के दो वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो उनको योगा सहायक के लिए रखा जाएगा जिनकी सैलरी होगी दस हज़ार पाँच सौ पर मंथ के हिसाब से इसके अलावा आवश्यक निशे या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया गया है कि शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज और आयोजन जो कार्यालय पंजीकरण है, पंजी है यानी कि एप्लीकेशन है वो प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन के साथ भेजनी है साथ ही साथ पत्र व्यवहार की कॉपी एक लिफाफा जिस पर पैंतालीस रुपये के डाक टिकट लगे हों वह रजिस्टर्ड लिखा हो रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा हो वो आपको भेजना है इसके अलावा रीसेंट फोटोग्राफ उसमें होनी चाहिए और आधार के आधारित प्रारूप पर मान्य होगा वो और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त या अनुपयुक्त के संबंध में निर्णय नियुक्ति जो है वो प्राधाधिकारी का ही होगा मीन्स जो उनका फाइनल डिसीजन होगा वही होगा आवेदन के लिफाफे पर पदनाम अवश्य लिखें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा जाति प्रमाण पत्र की भी कॉपी आपको लगानी है और आवेदन का प्रारूप जो है वो आपको बिजनौर डॉट एन आई सी डॉट इन पर उपलब्ध कराया जाएगा तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग